हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने सोचा ये व्लॉग ऐसे वन टू वन फेस टू फेस स्टार्ट किया जाए। काफ़ी दिन हो गए थे ऐसे आप लोग से बातें किए हुए। तो बाय द वे, इस वीडियो में आप देखोगे RC 200 नई वाली वर्सेस BS6, मतलब दोनों ही बाइक BS6 हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली मैं क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान्स में इन्वाइटेड था एज अ गेस्ट विजिट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इट वॉज एन ऑनर टू विजिट सच एन अकेडमी, सच एन एडवांस अकेडमी, बिकॉज इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स। और ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने भी बहुत क्रिकेट खेला है 4-5 साल। मैं LDA स्टेडियम, जो भी लखनऊ में रहता है उनको पता है मैं LDA स्टेडियम जाता था, प्रॉपर प्रैक्टिस करता था। बट कुछ रीजंस की वजह से फिर क्रिकेट धीरे धीरे छूट गया। ऑनेस्टली बताऊँ, उस टाइम इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, इतने इलेक्ट्रॉनिक गेयर्स नहीं थे, इतने मेजरमेंट डिवाइसेस नहीं थे। आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो, आपकी स्पीड कितनी है बॉल की, और भी चीज़ें। मुझे तो इतना खैर इतना ज़्यादा आइडिया नहीं, बिकॉज इस फील्ड में काफ़ी टाइम से मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। सो वहाँ पे गए, विजिट करा, आप लोग को दिखाते हैं। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा, यादें ताज़ा हो गई एकदम पुरानी। ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा स्टेडियम है, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस ग्राउंड है, स्पेशली अगर आप अपने स्किल्स को शार्प करना चाहते हो और अपना स्टैट्स देखना चाहते हो कि आप कहाँ पर गलती करो। अच्छे कोचेज हैं, सारी चीज़ें। तो चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ पर, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलो, सो जैसे कि मैंने कहा था, मैं अभी स्टेडियम विजिट करने जा रहा हूँ सर के। तो बाकी जो भी डिटेल्स हैं, देखो मैंने सारी टेक्नोलॉजी देख ली, जो भी होता है। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो ऑनेस्टली बताऊँ, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। मोस्टली आपके पास एक बैट और बॉल ही होता था। क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान्स लखनऊ सेंटर, एंड वी आर हैविंग ऑल द ऑटोमेटेड मशीनरीज। यू कैन सी दिस इंडोर स्टेडियम व्हिच इज ऑफ द टर्फ, एंड एस्ट्रो टर्फ इज ऑल्सो यूज्ड ओवर हियर। Then we've got the bowling machine through which it is being played. We've got a field also there on the other side. आप थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, कैसे क्या होता है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं? अच्छा, ओके। लाइक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जितने अच्छे और जितने मॉडर्न हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं वो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कम टाइम में हम लोग ज़्यादा बेनिफिट दे पाएँ बच्चों को। कि 3 घंटे में ऐसे नॉर्मल जगह पर अगर आप जाएंगे तो 3 घंटे में बच्चे मोस्ट प्रोबेबली 100 से 150 बॉल ही खेल पाएंगे। बट यहाँ हमारे पास इतने इक्विपमेंट होने के वजह से कम 500 से 600 बॉलें एक बैट्समैन खेल के जाता है यहाँ से हर दिन। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है जो हमारे छोटे बच्चे। ओके, कूल। तो बाकी आप देख ही सकते हो सारी चीज़ें, मैं दिखाता हूँ। थोड़ी छोटी सी वॉक लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस चल भी रही है। इनफैक्ट इधर बॉलिंग मशीन है प्रॉपर, और जैसे कि मैंने कहा, जब मैं खेलता था एक बैट एक बॉल, उसके अलावा ऐसे कोई ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे। दीज आर द कप्स दैट वी हैव वन रिसेंटली इन 3-4 टूर्नामेंट्स, एंड ओके नाइस। दिस इज द ओनली सेंटर ऑफ पठान ब्रदर्स। अच्छा, इन लखनऊ स्प्रे सैनिटाइजर्स आर देयर, एंड व्हेन दे आर प्लेइंग एट दैट टाइम दे डोंट पुट अप द मास्क, बट एट द एंड हां, दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप खेलते टाइम मास्क लगाओ फिर। हां एग्जैक्टली, but at the end, till the entry they put on the mask. Then recently we organize a lot of social programs. For example, 30 students got vaccinated on a free tone. Okay, yeah, nice. Probably the next session. अभी तो बारिश की वजह से विकेट थोड़े गीले हैं, बट यहाँ पे हमारा फुल टर्फ है। यहाँ पे नेट्स होते हैं, हमारे पास 3 टर्फ विकेट्स है, एक फुल टर्फ है, उधर हाफ टर्फ है, इधर एक छोटा मैच हम लोग करा सकते हैं उधर। तो प्रैक्टिस मैच काइंड ऑफ उधर कराते हैं। तो अभी बारिश की वजह से विकेट थोड़े गीले हैं, इसलिए नेट्स नहीं हो रहे हैं, बट 3 टर्फ विकेट है और एक फुल टर्फ है हमारे पास। ओके ओके। तो क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा बेसिकली। और देखता हूँ, अगर कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होगी तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अभी मेरे पास है RC 200 जो ब्रांड न्यू लॉन्च हुई है। सो कुछ लोग इसको 2022 कहते हैं, 2021 कहते हैं, वैसे 2022 ज़्यादा सही रहेगा, करेक्ट रहेगा इसको कहना। और दूसरी तरफ है मेरे पास BS6 RC 200। BS6 का एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको पता लगाना है तो आप देख सकते हो, जो एग्जॉस्ट पाइप था वो यहाँ से हट के नीचे से चला गया है, और KTM ने ये चेंज किया है थोड़े टाइम पहले। तो जो आप एक डायरेक्ट पाइप देखते थे, डायरेक्ट होज देखते थे, यहाँ से कनेक्ट होता था एग्जॉस्ट में, वो अब नीचे से आने लगा है। और सेम नई वाली RC में भी ऐसा हो गया है। तो एग्जॉस्ट पाइप अब वहाँ से हट के सीधा बाइक के नीचे से आता है।
और उसके अलावा चेंजेस इंजन वाइज एज सच इतने नहीं है, बट बॉडी फेयरिंग और रेडिएटर ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है बाइक में। तो रेडिएटर की अगर बात करें तो अब इस बाइक में कर्व रेडिएटर आता है, ऑल्दो इस वाली बाइक में सिंगल फैन का सेटअप है, बिकॉज मुझे लगता है 200 cc है इसलिए इतना ज़्यादा नीड नहीं है डुअल फैन की। और नॉर्मली जो पहले वाली RC 200 है उसमें भी सिंगल फैन आता है, बट जो रेडिएटर का साइज़ है वो छोटा था और रेडिएटर कर्व वाला नहीं था। जैसा एडवेंचर मिलता है सेम रेडिएटर आपको इसमें मिलेगा, और इससे बाइक की कूलिंग एफिशिएंसी में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और उसके बाद एक मेजर चेंज और दिख रहा है सामने सबसे, कि जो डिस्क है वो पूरी चेंज हो गई है, एकदम ही डिफरेंट डिस्क मिलती है आपको इस बार, आप देख सकते हो। तो ये बाइक के वेट को चेक रखने में हेल्प करती है, और बाइक का वेट थोड़ा कम भी हुआ है इनफैक्ट अगर पहले वाली RC से कंपेयर करते हैं हम। तो जो भी बीच का पार्ट था डिस्क का वो सारा गायब हो गया है, सिर्फ जो काम का पार्ट है उतना बचा हुआ है। उसके अलावा स्पीडोमीटर भी एक चेंज है, तो ये देखने में सबसे पहले आपको जैसे ड्यूक का स्पीडोमीटर होता है 390 का, वैसे TFT कलर डिस्प्ले की तरह लगेगा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑल दो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें भी आपको सुपर मोटो मोड मिल जाएगा जिससे आपका पीछे वाला ABS बंद हो सकता है, और उसके अलावा देखने में थोड़ा सा बड़ा कर दिया बिकॉज पहले वाला बहुत ज़्यादा बेसिक लगता था, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, मज़ा भी आएगी राइड करने में बाइक को अब। और मैंने बाइक एकदम प्रॉपरली चला रखी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे लगता है 100-150 किलोमीटर्स कर रखे हैं RC 200 पे नई वाली। तो बेस्ट चीज़ पता है आपको क्या है, ये जो फेयरिंग है इसकी वजह से क्या होता है कि एरोडायनेमिक्स बाइक के इतने अच्छे हो गए हैं, राइडर को बहुत ज़्यादा कम विंड ब्लास्ट फेस करना पड़ता है। ऑल दो ये वाली जो फेयरिंग थी ये थोड़ी शार्प ज़्यादा थी, बट ये वाली फेयरिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है नई बाइक की। और उसके अलावा DRLs यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं यहाँ से, और बाकी हेडलाइट आप देख सकते हो, आपको ड्यूक की याद डेफिनेटली आने वाली है, तो हेडलाइट की जो यूनिट है वो थोड़ी सी ड्यूक से मिलती जुलती बनाई गई है। ऑल दो ड्यूक में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, हेडलाइट के अंदर इसमें 2 कंपार्टमेंट हैं। और उसके अलावा जो चेंज है वो रिम में भी चेंज किया गया, आप रिम देख सकते हो दोनों बाइक्स के, इसका रिम का जो डिज़ाइन है वो अलग कर दिया, और इसके रिम्स थोड़े लाइट हैं ज़्यादा मजबूत हैं, और ये वाले रिम्स थोड़ा सा हैवी हुआ करते थे। तो ओवरऑल बाइक ने 4 से 5 किलो कम किया है वेट में, तो डेफिनेटली वो आपको फील होने वाला है। RC वैसे भी इतनी लाइट बाइक थी, उसके अलावा अगर 4 किलो कम हो रहा है बाइक में तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा बेटर लगने वाला है। और सीट में भी काफ़ी बड़ा चेंज है, तो आप पहले की सीट देख सकते हो, पीछे वाली सीट तो मुझे नहीं लगता इतनी यूज़ेबल भी थी, इतनी ज़्यादा हार्ड थी, कोई भी बैठता तो एकदम कम्फर्टेबल नहीं थी, आगे की सीट का साइज़ भी छोटा था। अब नई वाली RC की सीट्स देखने में भी प्रीमियम लगती हैं और ज़्यादा यूज़फुल भी रहेंगी, ज़्यादा बेटर भी रहेंगी। और बैक में भी चेंज है, ये लाइट मतलब देखने में तो दूर से वैसी लगती है, बट थोड़ा सा डिज़ाइन में इसके चेंज किया गया है, और ज़्यादा स्लीक, ज़्यादा शार्प लगती है, अच्छी लगती है देखने में। और पहले वाली बाइक की देख लो लाइट आप, ये देखो, और थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज किया गया है लाइट की। आवाज़ में एज सच कोई डिफरेंस नहीं आया है, दोनों ही बाइक्स अभी भी सेम ही साउंड करती हैं। मैं कह रहा हूँ ना, दोनों ही बाइक्स 25 हॉर्स पावर की हैं, पावर फिगर्स में ऐसा आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, ऑल दो वो थोड़ी ज़्यादा टॉप स्पीड बनाती है। अब एक बार नई वाली RC स्टार्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा रिफाइनमेंट ज़्यादा लग रहा है इस बाइक में जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले नई वाली RC राइड करते हैं, और उसके बाद हम राइड करेंगे पुरानी वाली RC 200। अब इसका इग्निशन बंद कर देते हैं तब तक। उसके अलावा अगर बात करें तो डिज़ाइन आप देख रहे हो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। आई नो जो पहले वाली RC 200 थी ये थोड़ी ज़्यादा स्लीक थी, ज़्यादा शार्प थी, इनफैक्ट जो टेल सेक्शन है वो भी इसका ज़्यादा शार्प लगता है देखने में, और ये तो प्रॉपर सीट काउल लगता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा यूज़िबिलिटी अगर आप देखो तो डेफिनेटली वो उसकी सीट्स ज़्यादा बेटर कर दी हैं, पीछे वाली सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है, आगे वाली सीट ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड ओवरऑल जो साइड से लुक है, पीछे से लुक है, बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा मतलब लोगों के मिक्स कमेंट आ रहे हैं इस पर, क्योंकि कुछ लोग को पसंद आ रहा है, कुछ लोग को नहीं आ रहा है, बट एक चीज़ आपको बता दूँ, यूज़िबिलिटी के मामले में क्या गज़ब का विंड प्रोटेक्शन ये देता है राइडर को, मतलब 10/10 मैं कहूँगा यार, ऐसा इंप्रूवमेंट हुआ है।
इस वाले में सारी हवा आपके फेस पे डायरेक्ट होती थी, तो हेलमेट पे बहुत तेज़ आपको विंड ब्लास्ट लगता था। ये जब मैंने चलाई है ना, इसके और इसके कंपैरिजन मैंने किया था, ये दोनों BS6 बाइक है, मैंने इससे पहले जो कंपैरिजन किया था वो BS4 बाइक के साथ था, तो ये चलाने के बाद भाई एकदम विंड ब्लास्ट गायब हो जाता है, मज़ा आ जाती है। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको पुरानी RC पसंद है कि नई RC पसंद है। देखो अगर हेड छोड़ दो तो नई RC बहुत ज़्यादा बेटर है, और पुरानी RC बहुत स्लीक है, बहुत ज़्यादा शार्प ट्रैक टूल लगती है। तो चलो राइड करते हैं, पहले हम नई वाली RC चलाएंगे, फिर हम पुरानी वाली चलाएंगे। एंड ऑनेस्टली बताऊँ, जो राइडर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जब आप बैठते हो तो जो ये कॉकपिट दिखता है भाई, 10/10 लगता है। आगे से बाइक कैसी भी लगती हो, बट जो खुद का एक्सपीरियंस है बैठने के बाद, वो बहुत खतरनाक है। इतना ज़्यादा प्रीमियम, इतनी बड़ी बाइक का फील देती है। जब आप RC चलाओगे नई वाली, तो आपको लगेगा जो पहले की गियरिंग थी इतनी ज़्यादा शॉर्ट थी, एकदम तुरंत गियर बदलने पड़ते थे। इसके गियर्स थोड़े टॉल किए गए हैं, या तो स्प्रॉकेट चेंज किया गया है। जो टॉप स्पीड है वो भी थोड़ी ज़्यादा होने वाली है आई थिंक। बाय द वे, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं अपने एरिया में इसको चला रहा हूँ। ऑल्दो मैंने इसको चला रखा है, एक्सप्रेसवे पे चलाया है, और भी थोड़ा इधर उधर चलाया है लखनऊ में ही, बट जहाँ पे मैं रिव्यू करता हूँ, फर्स्ट टाइम है रेजेनविक्स के पास इसको राइड कर रहा हूँ। नाइस यार, ज़बरदस्त चल रही है। और हैंडलिंग यार, देखो RC हैंडलिंग के लिए तो मुझे नहीं लगता कभी कुछ बोलना पड़ेगा KTM को उसकी बाइक्स के लिए। चाहे आप ड्यूक ले लो, चाहे आप RC ले लो, क्या ज़बरदस्त हैंडलिंग होती है, और इतना बढ़िया वेट मैनेजमेंट होता है कि आपको फ्रंट एंड से फीडबैक भी मिलता है, प्लस आपको बाइक लाइट भी फील होती है, हैंडल भी बहुत लाइट फील होता है। और बाकी इसमें WP के सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। खैर, KTM ने आज तक कन्वेंशनल फोक्स वाली बाइक कोई लॉन्च ही नहीं करी, मतलब एटलीस्ट इन इंडिया। और उसके अलावा यार, जो जिस तरह से मैं टैंक को होल्ड कर पा रहा हूँ ना, अब मुझे लग रहा है कि मैं एक प्रॉपर सुपर स्पोर्ट बाइक चला रहा हूँ, ऐसा फील आ रहा है मुझे। पहले वाले RC का टैंक पतला तो था, बट उसको ग्रिप करना इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं था। अब इसको ग्रिप कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई बड़ी बाइक है मेरे पास, और जल्दी से ये 390 में लॉन्च हो तो इसको और मज़ा आएगी चलाने में इस डिज़ाइन को, क्योंकि बाइक थोड़ी सी बल्की लुक के साथ आती है। चलो कॉर्नर लेते हैं, डिप, ये भाई यार RC का भाई फील अलग है भाई। भाई नाइस मैन, डायरेक्शन चेंज करना इतना इजी है RC पे, मतलब आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है बाइक को राइट से लेफ्ट ले जाने में, लेफ्ट से राइट ले जाने में। तो ये दिखाता है कि बाइक ट्रैक पे क्या कमाल करने वाली है, और क्या मोटर लग रही है भाई, बहुत मज़ा आ रही है भगाने में। हमने चला ली नई वाली RC, अब चलाते हैं पुरानी RC। लेट्स सी क्या उसमें अभी भी कुछ ब्रुटैलिटी है, बिकॉज वो BS6 जब हुई थी ना, तो चीज़ें काफ़ी कुछ ऐसे बिगड़ गई थी कि मज़ा नहीं आ रहा था। इनफैक्ट उसके बाद जब ये नई RC लॉन्च हुई, इसमें मज़ा आने लगा है। सो हम स्विच करते हैं बाइक इन 3, 2, 1। तो अभी हम आ गए हैं RC 200 पे, और ये है BS6, और ये है जस्ट पहले वाली जब नया मॉडल लॉन्च हुआ है। जबरदस्त भाई,
आरसी को भगाने में मज़ा ना है ऐसा तो हो नहीं सकता है। मिरर्स नई वाली आरसी के थोड़े और बेटर कर दिए हैं, उनको एडजस्ट करना बेटर हो गया है। प्लस एक और चीज़ ऐड हुई है कि वो मिरर्स फोल्ड हो जाते हैं। ये आरसी के मिरर हिल भी नहीं सकते थे, सिर्फ जो मूवमेंट था यहीं पे था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है यहाँ पे एक, तो उसकी मदद से थोड़ा बहुत मूवमेंट था। और अदर देन दैट ये मिरर में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि मिरर फ्लेक्सिबल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा मूवमेंट वूवमेंट है वो फोल्ड हो जाते हैं, वैसी टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये स्पीडोमीटर बहुत ही छोटा सा था, बहुत पुराना हो गया था, बहुत बेसिक लगता है सच में, और सब कुछ इतना छोटा छोटा सा है, मज़ा ही नहीं आती है। नए वाले में भाई आपको प्रॉपर एक डिस्प्ले मिलता है, और इनफैक्ट जब 390 लॉन्च होगी तो आपको प्रॉपर कलर TFT LCD डिस्प्ले मिलेगा, तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा देखने में। तो जस्ट अभी ड्रोन वाले का फ़ोन था एंड ड्रोन अपना सही हो गया है। देखो पैसा तो काफ़ी लग गया यार ड्रोन में भी, अपने ना ऐसे खर्चे हमेशा लगे रहते हैं भाई, कुछ ना कुछ 10-15 हज़ार रुपये के खर्चे आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अपने को लग रही है बहुत ही ज़्यादा वाली भूख, मतलब इतनी भूख लगी है मैं बता नहीं सकता। मैंने नाश्ता नहीं किया इस वीडियो के चक्कर में, तो मैं पहले ही निकल गया था। और आई होप आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। ऐसा सच इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ और बताने वाला है, बाकी चीज़ें तो आपको सब पता ही है। नई वाली आरसी के लिए अगर बात करें तो बाइक अच्छी है, प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, और बट आपके ऊपर है कि आपको लुक कैसा लगता है आगे से बाइक का, क्योंकि साइड से और बैक से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको नई वाली आरसी लेनी है, वरना मार्केट में थोड़ा पैसा और लगा के अपाचे RR 310 आ सकती है, और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। देखो RR 310 का क्या है, RR 310 इतनी इंगेजिंग नहीं है, मतलब कंफर्ट भी मिल जाता है आपको, इंजन भी अच्छा मिल जाता है, ब्रेक्स मिल जाती हैं अच्छी, सारी चीज़ें एक अच्छा पैकेज है, खूबसूरत भी लगती है, स्पेशली जो सिल्वर ब्लैक वाला कलर है। और RS 200 का भी बेस्ट कलर मुझे वही लगता है, जो वो सिल्वर ब्लैक वाला है ना वो बेस्ट लगता है। तो बस इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया, इस वीडियो को एंड करते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लो, बहुत अच्छी रील्स पोस्ट सब कुछ आने वाला है। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार, 1 मिलियन हिट करना है हमें। तो मैं जाता हूँ, कुछ ठूसता हूँ भाई, बहुत भूख लग रही है। बाय बाय।